चैनल और आज हम बात करेंगे अपने सबसे पहले यूनिट की, अपने यूपी टीजी के सिलेबस की जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सबसे पहला यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आज 28 तारीख है यानी मंडे, यानी सबसे फर्स्ट डे है और आज हम डिस्कस करेंगे अपने सबसे पहले टॉपिक्स की जो हमें आज पढ़ने हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सेकेंडली आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, then aims and objectives of physical education, scopes in physical education and lastly it is philosophies. physical education में आपको कुछ philosophies भी पढ़नी है कि जो philosophies है वो कौन कौन सी हैं, physical education में उनका क्या role है। so आज का जो syllabus है आपका, जो आपको पढ़ना है आज के दिन में, वो ये पांच topics हैं जो आपको आज पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें meaning of physical education की, तो physical education जो है क्या है ये सबने पढ़ा होगा, बहुत ही easy सी चीज है, सबको पता है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं एजुकेशन थ्रू मूवमेंट इज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन, यानी जो चीज हम मूवमेंट के थ्रू सीखते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन जो दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है फिजिकल, सेकेंड इज एजुकेशन। फिजिकल का मतलब है मोटर मूवमेंट, स्किल, फिजिकल एक्टिविटी, वो होता है फिजिकल। और एजुकेशन का मतलब है नॉलेज को अटेन करना, कुछ सीखना, कोई एक्सपीरियंस गेन करना। तो जब हम कोई नया एक्सपीरियंस या कोई नॉलेज जो है वो फिजिकल मूवमेंट के थ्रू करते हैं तो हम उसे कहते हैं फिजिकल एजुकेशन। यानी हम जो शिक्षा ले रहे हैं वो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ले रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा को कहते हैं हम फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के मीनिंग पढ़ने जाएंगे तो आपके पास जो बुक है उसमें काफी कुछ लिखा है, बट उसका जो सार है या फिर उसका जो समरी है वो यही है कि फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन थ्रू मूवमेंट। जो भी एजुकेशन आप फिजिकल मूवमेंट्स या फिर शारीरिक क्रियाओं से लेते हैं, जो भी उसे सीखते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद बात आती है डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, तो आपको कम से कम 6 से 7 डेफिनेशंस जो है वो पता होनी चाहिए। आपको जो डेफिनेशंस है उन्हें याद नहीं करना है, आपको जो नोट्स बनाने हैं उसमें सब कुछ नहीं लिखना है, आपने डालना है हेडिंग मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद आपको जो भी पढ़ के लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, वो एक शारीरिक क्रिया है, वो शिक्षा है, या फिर बॉडी को फिट रखने का तरीका है, या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट का तरीका है, इस तरह के जो ऑप्शंस मिलते हैं तो आपको उसमें से समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है जब आप उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। तो आपको जो चीजें लिखनी है वो सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, पूरा का पूरा वहां से डेफिनेशन या पूरा का पूरा मीनिंग उठा के आपको कॉपी नहीं करना है, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट जो नोट्स बनाने हैं उसमें वो कीवर्ड्स लिखने हैं जो आपको यूजुअली एमसीक्यूज में ऑप्शन में मिलते हैं। तो फिर हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, डेफिनेशन में आपको 6 से 7 डेफिनेशंस पढ़नी है, और जब आप डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं तो आपको याद बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यूपी डीजीटी में ऐसा नहीं है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर राइटर ने कौन सी डेफिनेशन लिखी थी, दैट इज जस्ट अ एमसीक्यू। तो वहां पर क्या आता है कि जो डेफिनेशन है वो लिखी होती है, आपको बताना है कि किस राइटर ने लिखी है। तो आपको करना क्या है, आपको राइटर्स के नाम लिखने हैं और उसके आगे वो कीवर्ड लिखना है जो आपको याद करना इजी है। जैसे अगर मैसी बग की डेफिनेशन की बात करें तो उसमें एक लाइन है, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू बिग मसल एक्टिविटी। यानी यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हम कीवर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जिससे हमें चीजें याद रहेगी कि अगर वहां पर लिखा है डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू बिग मसल मूवमेंट, तो वो डेफिनेशन जो है वो एससी बक की होगी। इस तरह आपको बाकी राइटर्स की भी जो कीवर्ड्स हैं वो लिखने हैं, जो भी आपको अपने हिसाब से कन्वीनियंट लगते हैं। जैसे अगर हम ऑबर ड्यूफर की डेफिनेशन की बात करें तो उन्होंने बहुत इजी सी डेफिनेशन लिखी है, इट इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच वी गेट थ्रू फिजिकल मूवमेंट। तो इस तरह से आप इन चीजों को याद भी कर सकते हैं, बट अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहां से वो कीवर्ड उठाना है जो आपको लगता है कि उससे आपको याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है वो राइटर और उससे जुड़ा हुआ कीवर्ड, ताकि एग्जाम में जब वो डेफिनेशन आए तो आपको पता चल जाए कि वो किस राइटर ने लिखी है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि आज की जो सोसाइटी है उसको भगवत गीता की नहीं फुटबॉल की जरूरत है,
ये भी एक चीज है जो आपको याद रह सकती है, जिसको आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो भी आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है, तो ये स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया है। तो इस तरह से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, वहां पर मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन बना लिया, फिर आपने लिख लिया वहां पे डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जहां पर आपने 8 से 10 इंपॉर्टेंट राइटर्स की डेफिनेशन लिखनी है, जिसमें से ये जो राइटर्स हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, एस ए बर्ग, चार्ल्स बचर, जेबी नैश, डेल्बर्ट ओवरड्यूफर, जेबी थॉमस एंड थॉमस वुड। इसमें कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, बट ये दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो भी अलग है। फिर हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। तो अगर हम उद्देश्य और लक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले हम ये जान लें कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या होता है। जो ऑब्जेक्टिव्स है वो चरण है या फिर वो स्टेप्स है जो उस एम यानी जो हमारा लक्ष्य है वो एक होता है। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो उस तक पहुंचने के रास्ते हैं या उस तक पहुंचने के चरण या स्टेप्स हैं, फेजेस हैं जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर एम तक पहुंचते हैं। सो फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला है ये फिजिकल डेवलपमेंट। सो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस हैं, वो जो विजिबल चेंजेस हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। आपकी बॉडी का जो शेप और साइज है उसका चेंज हो जाना, आपकी मसल हाइपरट्रॉफी हो जाना, ट्रेनिंग से आपकी बॉडी में जो भी फर्क आते हैं, जो भी इफेक्ट्स पड़ते हैं, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, आपकी स्पीड इम्प्रूव हो जाती है, आपका एंड्योरेंस इम्प्रूव हो जाता है, आपकी जो स्किल्स है वो बेटर हो जाती है। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं हम शारीरिक विकास। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन का। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट को हम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं संवेगात्मक विकास। इसका मतलब है कि आप जो है अपने इमोशंस पे कंट्रोल ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, आपको कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, कब कितना खुश होना है, कब कितना दुखी होना है, ये सारी चीजें भी जो है आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और ज्यादा बैलेंस्ड वे में कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन का। देन द थर्ड इज सोशल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं सामाजिक विकास। यहाँ पर आपकी जो चीजें हैं वो आती है भाईचारा, सोशल ग्रुप में कैसे रहना है, टीम वर्क कैसे करना है, लीडरशिप कैसे है। तो ये सारी जो चीजें हैं इन सब का जो डेवलपमेंट है वो आता है आपके सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास में। फिर है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है बौद्धिक विकास, और बौद्धिक का मतलब है नॉलेज। यानी जो फिजिकल एजुकेशन है वो किसी इंडिविजुअल में उसकी नॉलेज को भी इनहेंस करती है, उसका जो नॉलेज एक्सपीरियंस है वो भी गेन होता है, वो नई चीजें सीखता है, नई नॉलेज सीखता है। तो ये भी एक तरह का डेवलपमेंट जो है वो होता है। फिर है आपका न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट जो है वो दो चीजों से मिला है, एक होता है न्यूरो और एक है मस्कुलर। यानी आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम है, उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्प्रूव होता है, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, दैट इज न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने जाएंगे तो आपकी बुक में अलग अलग राइटर के बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, बट आपको वो सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको पढ़नी है सिर्फ बेसिक चीजें। आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप यूपी टीजीटी के लिए जा रहे हैं, आप यूपी पीजीटी या फिर नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा डीप चीजें नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पर आपको जो चीजें पढ़नी है वो बेसिक हो और ऐसी चीजें हो जिसमें ज्यादा चीजें जो है वो कवर हो जाए। तो ये सारे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स, और इन सब से हमारा जो एम है दैट इज होलसम और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण और संपूर्ण विकास करना ही फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। ये डेफिनेशन आपने बहुत बार पढ़ी होगी, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन थ्रू विच मेंटल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर बीइंग डन, या फिर फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन विच एम्स
said overall development of an individual. तो ये है aims and objectives of physical education. फिर इसी में आता है need and importance of physical education, यानी जो शारीरिक शिक्षा है उसकी क्या उपयोगिता है. तो सबसे पहली चीज है physical development और physical fitness. जो शारीरिक शिक्षा है या physical education है वो जो है आपके में शारीरिक विकास करता है, आपको फिजिकली फिट बनाता है, आपकी बॉडी में जो भी फिजिकल फैक्टर्स हैं उनको डेवलप करता है. सो सेकंड थिंग इज मेंटल डेवलपमेंट. मेंटल डेवलपमेंट को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं बौद्धिक विकास. तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो बौद्धिक विकास करता है, सोचने समझने की शक्ति जो है उसको इम्प्रूव करता है, डिसीजन लेने की एबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करता है. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन का. थर्ड इज सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो एवरी ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, यानी हर एक व्यक्ति जो है वो सामाजिक पशु है. तो हमें उसके हिसाब से जो अपना बिहेवियर है सोशलाइज होना होता है, हमने किससे किस तरह से बात करनी है, सोशली खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारे डेवलपमेंट जो है वो भी फिजिकल एजुकेशन जो है वो करता है. फिर नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट. इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब आप अपने इमोशंस पर किस तरह से कंट्रोल रखें, इन सारी चीजों का भी जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंस है. नेक्स्ट इज सेंस ऑफ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन. अगर आप किसी प्लेयर की बात करें, जैसे अभी जो प्लेयर्स है वो ओलंपिक में खेलने जा रहे हैं, सो दे हैव अ सेंस ऑफ डेडिकेशन टूवर्ड्स देयर कंट्री. जब आप कहीं खेलने जाते हैं, चाहे आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करें, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करें, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें, तो आपके अंदर होता है सेंस ऑफ डेडिकेशन. तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो आपके अंदर ये भी डेवलप करता है जब आप खेल जैसी किसी शारीरिक गतिविधि में पार्टिसिपेट करते हैं. डिसिप्लिन की बात करें तो एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो बिना डिसिप्लिन के कभी कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो सकता, अनलेस और अंटिल ही हैज द डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब है टाइम को लेके डिसिप्लिन, अपने कोच टीचर्स को लेके डिसिप्लिन, अपना जो गेम है उसके लिए डिसिप्लिन, खुद के लिए डिसिप्लिन, अपने टीम मेंबर्स के टूवर्ड्स डिसिप्लिन. सो ये जो सेंस है ये भी फिजिकल एजुकेशन जो है वो डेवलप करता है. फिर बात आती है कल्चरल डेवलपमेंट की. कल्चरल डेवलपमेंट जो है जब आप कहीं खेलने जाते हैं, जब आप खेलते हैं तो दूसरे खिलाड़ियों से मिलते हैं, अपने टीम मेंबर में ही बहुत सारे अलग अलग कल्चर के जो हैं आपके टीम में लोग होते हैं, तो आपके अंदर जो है वो कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है. नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. पर्सनैलिटी का मतलब जो आपका व्यक्तित्व है उसका विकास होता है. जो आपकी पर्सनैलिटी है वो स्टैटिक नहीं होती, डायनेमिक होती है, बहुत सारी चीजें आती है आपकी पर्सनैलिटी में. तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है. फिर है पर्सनल एडजस्टमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत समायोजन. पर्सनल एडजस्टमेंट में आता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने टीम के सामने, जब आप अपने घर वालों के सामने हैं तो आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, जब आप एज अ टीचर हैं स्टूडेंट्स के सामने, तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल एडजस्टमेंट, जो कि एक क्वालिटी है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ये भी डेवलप होती है. नेक्स्ट इज सोशल एडजस्टमेंट, यानी सामाजिक समायोजन, यानी आप जो है वो सोशली खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं, आप टीम मेंबर्स के थ्रू आपकी क्या लॉयल्टी है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, आपकी ऑनेस्टी, ये सारी चीजें जो है वो आती है आपके सोशल एडजस्टमेंट में. देन द लास्ट वन इज ऑप्टिमम डेवलपमेंट. जो अभी हमने पहले भी पढ़ा, फिजिकल एजुकेशन जो है वो किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन. फिर बात करें स्कोप्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी जो फिजिकल एजुकेशन है उसके कार्य क्षेत्र क्या है, शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र के बारे में. तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक कोच और एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं है. अगर आप कल टीचर बन के जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं कोच और खिलाड़ी, सिर्फ इतनी ही है फिजिकल एजुकेशन, मुझे फिजिकल एजुकेशन पढ़ना और उसको सिखाना है, दैट इज इनफ. बट ऐसा नहीं है. फिजिकल एजुकेशन का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है. इसके स्कोप्स को हमने चार सेक्शन में डिवाइड किया है. सबसे पहला है सर्विस प्रोग्राम. सर्विस प्रोग्राम की बात करें तो जो फिजिकल एजुकेशन है यहाँ पर सर्विस प्रोग्राम में आती है नॉलेज प्रोवाइडिंग चीजें. फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज देना, हेल्थ एजुकेशन की नॉलेज देना, नेचर, एनवायरमेंट, साइकोलॉजिकल फंडामेंटल्स, इन सारी चीजों की नॉलेज प्रोवाइड करना इज सर्विस प्रोग्राम. सेकेंड इज इंट्राम्यूरल प्रोग्राम. प्रोग्राम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है PRG, जस्ट बिकॉज हम नोट्स बना रहे हैं. तो इंट्राम्यूरल प्रोग्राम में आते हैं आपके वो सारी चीजें
जो आप विद इन द वॉल या फिर स्कूल के अंदर, क्लब के अंदर, जिमनेजियम के अंदर, जो वहां के लोगों में जो भी आप कॉम्पिटिशन कराते हैं, जो भी हम उनके बीच में चीजें कराते हैं, दे ऑल आर इंट्राम्यूरल्स। तो इंट्राम्यूरल क्या है सब आप जानते हैं। इंट्राम्यूरल प्रोग्राम जो है वो भी स्कोप है फिजिकल एजुकेशन का। फिर बात करें एक्स्ट्राम्यूरल की, एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब है कि जब आप इंटर स्कूल कराते हैं, इंटर क्लब कराते हैं, इंटर स्टेट कराते हैं, उनका जब आप ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं, उन सारे प्रोग्राम्स को हम कहते हैं एक्स्ट्राम्यूरल। फिर आता है फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम। फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स में आते हैं आपकी एरोबिक्स एक्सरसाइज, आपकी फिटनेस ड्रिल, आप जो रिक्रिएशन पे फन गेम्स करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आती है फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम में। सो इन सारी चीजों के हिसाब से जो एक्टिविटीज हमें करानी है या जो एक्टिविटीज फिजिकल एजुकेशन के स्कोप में आती है वो है इंडिविजुअल और टीम प्रोग्राम। इंडिविजुअल में जैसे एथलेटिक्स हो गया, स्विमिंग हो गया, ये इंडिविजुअल हो गए। टीम गेम में फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब आपके टीम गेम हो गए। फिर कॉम्पिटिटिव और सेल्फ डिफेंसिव में आ गया आपका बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, ये सारे जो स्पोर्ट हैं वो इसमें आ जाएंगे। एक्वेटिक में यानी जो भी चीजें आप पानी में करते हैं, रोइंग, स्विमिंग, ये सब आ गए आपके एक्वेटिक में। फिर जिमनास्टिक जो है वो भी इसमें आता है। कलेक्टिव एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम वो भी फिजिकल एजुकेशन का एक स्कोप है। फिजिकल एजुकेशन के थ्रू जो है वो रिहैबिलिटेशन का काम किया जाता है। करेक्टिव पोस्चर्स जो है उनको करेक्ट करना या फिर इंजरी के बाद किसी भी तरह की जो डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है उसको करेक्ट करना जो है वो भी फिजिकल एजुकेशन के स्कोप में आता है। फिर आता है इसमें फोक डांसेस, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज, जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे दंड, बैठक और पिरामिड फॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो है उसमें आ जाती हैं। रिक्रिएशनल अभी हमने पढ़ा है, जो फन गेम्स हैं वो रिक्रिएशन में आते हैं। एडवेंचरस एक्टिविटीज जो है वो भी फिजिकल एजुकेशन का स्कोप है। एंड डेमोंस्ट्रेशन, जो अपने स्कूलों में मार्चिंग कराते हैं, ड्रिल कराते हैं, फॉर्मेशन बनवाते हैं, वो सारी चीजें भी जो है वो फिजिकल एजुकेशन के स्कोप में आती है। फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ फिलोसफीज की, यानी जो फिजिकल एजुकेशन में है उसमें आपको कौन कौन सी फिलोसफीज पढ़नी है। तो फिलोसफीज क्या होती है, फिलोसफी को हम हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र, यानी अलग अलग लोगों की जो विचारधारा है वो अलग अलग है, तो जो विचारधारा है वही है आपकी फिलोसफी। सबसे पहले है आइडियलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद ये कहता है कि जो भी इंसान है उसे किसी प्रिंसिपल्स को मानना चाहिए, समाज ने जिन प्रिंसिपल्स से, जिन सिद्धांतों को सेट किया है उनके हिसाब से ही चलना चाहिए, ऐसा आइडियलिज्म का मानना है। जो आपका आइडियलिज्म है वो कहता है कि आपकी बॉडी है वो आइडियल बॉडी होनी चाहिए। यहाँ पर ये तीन चीजें जो है, जो इसका हाईएस्ट एम है वो है ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। हिंदी में इसका मतलब है सत्यम, शिवम और सुंदरम। यानी अगर कोई भी इंसान है वो सच बोलना चाहिए, वो सुंदर होना चाहिए, उसमें अच्छाइयां होनी चाहिए, ऐसा आदर्शवाद कहता है। जो आइडियलिज्म है उसके फादर जो है ये प्लेटो है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरलिज्म, जिसका मतलब है प्रकृतिवाद। ये आपका जो है नेचर को मानता है, उसका मानना है जो नेचर है वो सबसे बड़ा, जो हमारा ट्यूटर है, सबसे बड़ा जो हमारा शिक्षक है वो होता है नेचर। इसके जो फादर है वो है रूसो। उनका मानना है कि जो भी हम सीखते हैं या किसी भी बच्चे के ऊपर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वो जैसा भी है उसके जो नेचुरल टैलेंट्स हैं, जो वो नेचर से सीखता है वो ही सबसे सही होता है प्रकृतिवाद के हिसाब से। तीसरा है हमारा रियलिज्म, जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, जिसके फादर जो है वो है अरस्तु, और ये है साइंस पे बिलीव करता है। यहाँ पे जो रियलिज्म है वो कहता है वो प्रिंसिपल्स पे काम करता है, कॉज एंड इफेक्ट्स पे काम करता है। रियलिज्म जो है वो साइंटिफिक फैक्ट्स को जो है वो मानता है। फिर बात करें प्रैग्मेटिज्म की, विच इज प्रयोगवाद, और प्रैग्मेटिज्म को हम कहते हैं फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन की फिलॉसफी इज प्रैग्मेटिज्म, जिसके फादर हैं जॉन डेवी, और ये जो है एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। इनका मानना है कि चीजों को करके सीखना चाहिए, उनको जैसे हैं वैसे नहीं मानना चाहिए, उनको करके देखना चाहिए तब उन पर विश्वास करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अपने अगले वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। टिल दैट कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।